शिक्षा से सफलता की ओर एक कदम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय गुरुकुल में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 8 का हिंदी चैप्टर नंबर 8, जो कि मंजरी पाठ्यपुस्तक से संकलित है। चैप्टर नंबर 8 है धानों का गीत। आइए देखते हैं सबसे पहले इस चैप्टर का जो महत्वपूर्ण पद्यांश है उसका भावार्थ। पहला पद्यांश की बात करते हैं तो धान उगेंगे - बादल जरूर। ये जो पद्यांश है आप सभी लोग अपने बुक में खोल के देख लीजिएगा। इसका जो संदर्भ सहित भावार्थ है उसको हम यहाँ पे कराएंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले संदर्भ। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गीत। ये हमारा क्या है, एक गीत है। अगर गीत की बात करता है या कविता की बात करता है तो हम जो राइटर होते हैं, लेखक होते हैं, उनके लेखक से पहले क्या लगाते हैं, रचयिता या कवि या कवित्री। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं इस गीत को, हम लोग इस गीत के संदर्भ को। प्रस्तुत गीत हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के संकलित पाठ धानों का गीत नामक गीत से उद्गृत है। यह गीत लेखक केदारनाथ सिंह द्वारा रचित है। अब हम लोग अगली हेडिंग डालेंगे प्रसंग। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत गीत में किसान की तान में सुर मिलाकर धान चांदनी एवं गांव के विश्वास को बड़ी ही सरलता से प्रस्तुत किया गया है। कभी ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत किसानों के स्वर में बादल को स्वागत करता है। स्वर यहाँ पे बादल का स्वागत करता है, तो यानी को आप मिटा देना है, सिर्फ क्या लिखना है, बादल का स्वागत करता है। आइए देखते हैं भावार्थ। भावार्थ में लिखेंगे लहलहाते धानों के खेतों को देखकर किसान प्रसन्न हो जाता है। जब बच्चों इसमें आप देख रहे होंगे धान की खेती हो रही है, फिलहाल अभी धान तो फूटे नहीं हैं, उसमें भी वो बाली तो आई नहीं है, अभी सिर्फ धान कहीं की निकलने भी लगे हैं। तो आज भी आप भी देख सकते हैं, अगर आपके धानों में खेतों में इस प्रकार से लहला रहे हो तो कहीं ना कहीं किसान प्रसन्न होते हैं, आप भी प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे उस किसान की बात कर रहा है कवि, कहता है कि लहलहाते धानों के खेतों को देखकर किसान प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि उसके खेतों में धान होंगे जिनके लिए वर्षा के पानी की ज़रूरत होने के कारण बादलों को आने का निमंत्रण देता है। चंद्रमा धान की कोमल बालियों पर चांदनी छिटकाएगा और एक सूरज सूखी रेत पर प्रकाशित होगा। वर्षा होने के कारण खेत से आगे रास्ते खाली होंगे और बांस आपने देखा होगा हरा भरा, बैम्बो जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो बांसों के पेड़ झुके दिखाई देंगे। संध्या समय नमी से आंखें गीली होंगी और सवेरे खेतों में धान लहराता नजर आएगा जिसके लिए बादलों को आने को निमंत्रण दिया जा रहा है ताकि वर्षा हो। अगला यहाँ पे पद्यांश है, अगली पंक्ति है धान कौपेंगे - बादल जरूर। संदर्भ और प्रसंग पूर्वत की तरह हो जाएगा, जिस प्रकार से ऊपर वहाँ पे लिखा गया था एज इट इज़ संदर्भ और प्रसंग इस पद्यांश के लिए भी होगा। और भावार्थ इसका देखते हैं। भावार्थ में कवि कहता है किसान खेत में हुलते हुए धान को देखकर प्रसन्न होकर कहता है हवा चलने पर धान हिलने लगेंगे, पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए बादलों को आना अनिवार्य आगमन को निमंत्रण देता है। धूप ढलने पर तुलसी के पौधे हिलने लगेंगे और संध्या समय कनेर के फूल खिल उठेंगे और ज्वार तथा धान की
लहलहाती फसलें हिलती नजर आएंगी। फसलों की पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए किसान बादलों को अनिवार्य रूप से आने का निमंत्रण देता है और कहता है कि फसल उनके खेतों में पक जाएगी। बच्चों, यहीं पे इसका इस चैप्टर का जो प्रसंग यानी कि पद्यांश था, जो महत्वपूर्ण पद्यांश थे, वहीं पे कंप्लीट होते हैं। अब इसके आगे हम लोग इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास है उसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले गीत से। पहला प्रश्न है, बादल को स्वागत कौन कौन और कब कब कर रहे हैं। बादल का स्वागत यहाँ पे का लिख लीजिएगा, कौन कौन और कब कर रहे हैं। तो उत्तर में लिखेंगे, बादल का स्वागत किसान यानी भोर यानी सुबह, धूप ढलते सांझ, पूजा की बेला आदि पर कर रहे हैं। कौन कर रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे किसान कर रहा है। और कब कब कर रहा है, एक तो भोर के टाइम जिसको हम कहते हैं सुबह में, फिर धूप ढलने के समय, फिर सांझ को यानी शाम को, फिर पूजा के समय। इस समय सब किसान बादल के आने की स्वागत कर रहे हैं। प्रश्न नंबर टू, पंक्तियों के भावार्थ स्पष्ट कीजिए। कुछ पंक्तियाँ यहाँ पे दी गई हैं जिनके हमको भावार्थ यानी उसका व्याख्या करके बताना है। तो यहाँ पे पहला पंक्ति है, चंदा को बाँचेंगे कच्ची कलगियों सूरज की सूखी रेत में। तो उसका जो भावार्थ होगा इस प्रकार से होगा, चंद्रमा की चांदनी धान को कोमल बालियों पर और सूरज सूखे रेत में प्रकाशित होगा। अगला यहाँ पे पंक्ति है, अगली पंक्ति है, संचा पुकारेगी गीली अखड़ियाँ भोर हुए धन खेत, यानी कि संझा पुकारेगी गीली अखड़ियाँ भोर हुए धन खेत। इसका भावार्थ इस प्रकार से है, संध्या समय नमी से आंखें गीली होंगी और सुबह खेत दिखाई देंगे। अगली पंक्ति है, पूजा की बेला में ज्वार अरेंगे धान दिए की भेर। इसका भावार्थ इस प्रकार से है, प्रातः काल में ज्वार और रात्रि में धान के खेत लहराएंगे। प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर तीन, धान को प्राण क्यों कहा गया है, समझा कर लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, धान को प्राण इसलिए कहा गया है क्योंकि संसार में एक बड़ी जनसंख्या के भोजन का आधार चावल ही है, इसलिए चावल यानी धान को प्राण कहा गया है। आप समझते होंगे संसार में एक बहुत बड़ी जो संख्या है, वो जनसंख्या है, वो केवल धान पर ही निर्भर करती है यानी चावल पर ही निर्भर करती है। तो कहीं ना कहीं चावल उनके लिए प्राण ही है, इसलिए धान को प्राण कहा गया है। प्रश्न नंबर अगला है, कविता में अनेक तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है जैसे प्राण और चंदा, इसका तत्सम रूप क्रमशः प्राण और चंद्रमा है। कविता में आए अन्य तद्भव शब्दों को छाटिए तथा उनका तत्सम रूप लिखिए। तो सबसे पहले बच्चों, हम अगर बात करते हैं तत्सम और तद्भव की, तो थोड़ा हम तत्सम और तद्भव समझ लेते हैं। बस हम पहचानने का ट्रिक थोड़ा सा बताएंगे, उसके अगर जो डेफिनेशन होगा आप खुद लोग आप लोग आगे अगली कक्षाओं में सीखेंगे। तत्सम क्या होता है, जो संस्कृत का शब्द होता है जो कि होते वैसे लिख दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं तत्सम। जबकि आम चाल की बोल की भाषा में जो शब्द यूज होते हैं उसको बोला जाता है तद्भव। जैसे हम लोग बोलते हैं प्राण, अगर प्राण की बात करता है तो हमारा जो है आम चाल की आम बोल भाषा है, जबकि जो प्राण है, प्राण यानी संस्कृत का वर्ड है, कहीं ना कहीं संस्कृत के शब्द से लिया गया है। तो ये जो हमारा प्राण होता है ये हमारा तत्सम होता है, जबकि जो प्राण होता है प्राण की बात करते हैं ना लगा हुआ है तो ये हमारा तद्भव होता है। एक और यहाँ पे उदाहरण प्रस्तुत किया गया था जिसमें लिखा था, एक तरफ है चंदा, हम जिसे आम भाषा में बोलते हैं चंदा मामा, ऐसा नहीं बोलते हैं गाँव में, तो
चंदा मामा ऐसे बच्चों को बताते हैं, चंदा मामा देखो वहाँ पे है। उसी प्रकार से अगर इसको संस्कृत में हम देखते हैं, चंदा को क्या बोलते हैं, संस्कृत में अगर चंदा लिखा जाता है तो हम वहाँ पे लिखते हैं चंद्रमा। आपने देखा होगा चंद्रमा। तो कहीं ना कहीं जो संस्कृत के भाषा से लिया गया जो शब्द है वो हमारा क्या होता है, तत्सम होता है, जबकि जो आम बोलचाल की भाषा में जो शब्द यूज किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं तद्भव। यहाँ से कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत इस चैप्टर को, इस तत्सम और तद्भव को समझ पाएंगे। तो कभी भी अगर आपको तत्सम और तद्भव छाटना हो, कहीं पर लिखना हो, तो आप किस प्रकार से बता सकते हैं, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। अगर थोड़ा सा संस्कृत का वर्ड कहाँ पे, यहाँ पे मिल रहा होगा आपको, संस्कृत की थोड़ी भाषा अगर दिख रही होगी तो उसको हम बोलेंगे तत्सम। जबकि अगर आम बोलचाल की भाषा अगर आपका दिखाई दे कहीं पे आपको, तो हम उसको बोलते हैं तत्सम। अब कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया तत्सम और तद्भव में। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, शब्द की बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एक तरफ लिखे, दो कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम में लिखेंगे तद्भव और दूसरे कॉलम में लिखेंगे तत्सम। अगर सूरज की बात करते हैं तो सूरज का तत्सम रूप क्या होता है, सूर्य। आप देखते हैं कि सूर्य पताका, यानी जो महाभारत वाला तो आपने देखा होगा या रामायण देखा होगा, तो यहाँ पर ज़्यादातर संस्कृत के वर्ड ही यूज किए गए हैं, एकदम शुद्ध है लगभग लगभग। तो वहाँ पे जो है, जो लगभग ज़्यादातर आप तत्सम शब्द ही मिलेंगे वहाँ पे। ये सब आप सूरज बोलते होंगे गाँव में, आपने सुना होगा, आपने आम बोलचाल की भाषा में सुना होगा सूखी। पर ये अगर सूखे की अगर हम संस्कृत की बात करते हैं तो ये उसको बोलता है शुष्क, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाता है, ये हमारा सूखी जो तत्सम हो जाता है। खेत, लेकिन जो हम लोग क्षेत्र बोलते हैं क्षेत्र, ये हमारा तत्सम हो गया। सांझ का तत्सम क्या हो जाएगा, संध्या। हम लोग उसको बोलते हैं सांझ हो गई, सांझ हो गई। पर जो संस्कृत का वर्ड होता है, जो थोड़ी सी तत्सम का शब्द होता है, उसको हम बोलते हैं संध्या हो गई है, ठीक है। इसी प्रकार दिए, हम लोग बोलते हैं दिए जला दो, गांव में यूज करते हैं कि मतलब कि कहीं पर भी जो दिए जला दो, जबकि इसका जो तत्सम शब्द होता है शुद्ध वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं दीपक जला दो। तो आपको थोड़ा बहुत क्लियर होगा होगा थोड़ा बहुत क्लियर हुआ हुआ होगा इस वीडियो के माध्यम से, इस की तत्सम और तद्भव क्या होता है, थोड़ा बहुत आप यहाँ से छाट पाएंगे। इससे पहले भी हमने तत्सम और तद्भव बताया है क्लास 8 में, तो आप वहाँ पर जाकर के उस वीडियो में देख सकेंगे। तो वहाँ पर भी यही थोड़ा डेफिनेशन समझाया गया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगली भी बार आएगा तो अगली बार हम बताएंगे। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आप इसके बारे में पूरा डिटेल्स जान पाएंगे। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आप सभी लोग इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जो जितने भी प्रश्न यहाँ पे कराए जा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हैं आपके लिए, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको ज़रूर नोट करेगा, नोट बनाते रहिएगा। नोट बनाने से क्या होता है कि कहीं ना कहीं अगर एक बार आप इसको खोल के देखते हैं तो आपको बहुत आसानी से वो चैप्टर जो कराए गए हैं बहुत आसानी से आपको याद हो जाते हैं, आपका रिवीजन बहुत जल्दी हो जाता है। तो आप सभी लोग इसको याद भी कर लीजिएगा, जो आप यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसको आप याद ज़रूर करेंगे लिखने के बाद। एक बार अगर याद नहीं करते हैं तो 2-3 बार रिवाइज ज़रूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।